हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा फ्यूचर में और P-8I जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं लिए जाएंगे और स्वदेशी अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ विचार किया जाएगा। तो ये जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली सबमरीन हंटिंग और रिकॉग्निशंस मिशन के लिए। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये एक्चुअली हमारे पास जो शिप्स और सबमरीन के नंबर में कमी है उसको कंपनसेट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अपनी इम्पोर्टेंस को पास्ट में प्रूव भी करते आए हैं। तो और P-8I हमारे द्वारा नहीं लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अब हमें स्वदेशी ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी रहेगी। तो ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म हमने बनाया नहीं है जिसको हम मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप कर सकें। तो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो एयरबस का C295 है जिसको हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ये टाटा के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर 56 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया है और 16 एयरक्राफ्ट जो है वो डायरेक्टली ले जाएंगे, 40 के आसपास इंडिया में टाटा द्वारा बनाए जाएंगे, बाकी फ्यूचर में 6 और एयरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड के लिए लिए जा सकते हैं। तो अगर आप इस एयरक्राफ्ट के डिफरेंट वर्जन्स को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और पहले से ही इसका मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन अवेलेबल है। तो इस एयरक्राफ्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में, जिसके अंतर्गत इसमें जो सेंसर्स वगैरह लगेंगे उसको हम इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं। ये काम DRDO द्वारा किया जा सकता है, साथ ही साथ इनको हम आर्म्ड भी कर सकते हैं इंडिजिनस वेपन्स से, जिसमें हम ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स को लगा सकते हैं एंटी शिप रोल के लिए, साथ ही साथ एंटी सबमरीन रोल के लिए DRDO के एडवांस लाइट टोरपीडोज को भी यूज कर सकते हैं। बाकी सेंसर्स वगैरह की बात करें तो IMRH के अंतर्गत हम एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना ही रहे हैं, जिसके लिए हमें सोनार्स और सोनोबॉयस जैसे सेंसर्स वगैरह तैयार करने ही पड़ेंगे। तो दोनों प्रोग्राम में वो चीज़ यूज़ हो सकती है। साथ ही साथ फ्यूचर में वेदर रडार वगैरह भी हम डेवलप कर सकते हैं जो कि फ़िलहाल के लिए इसराइल से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। तो इंडिजिनाइजेशन जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहले सेंसर्स वगैरह को हम इंडिजिनस करना चालू कर दें, उसके बाद ये जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसी मशीन्स हैं इनको भी हम इंडिजिनसली बना सकते हैं। उससे पहले हम लाइसेंस्ड मॉडल को इंडिया में ही प्रोड्यूस करके उनको एज अ टेस्ट बेड यूज़ करते हुए अपने सेंसर्स के साथ इक्यूब करके एक बेटर सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। बाकी जहां तक रही बात ऐसे कैपेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडिया में बनाने की, तो इसके लिए जो सबसे बेसिक स्टेप है वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। एक बार आप टर्बोफैन इंजन को इंडिया में बनाना चालू कर दें तो इसके आप डिफरेंट बाईपास रेशियो वाले वर्जन लेकर आ सकते हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेप में हम अभी करीबन 20 साल पीछे चल रहे हैं, ये 20 से 30 साल बाद की बात है। तो अभी के लिए जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो ये रहेगा कि जो C295 इंडिया में बनाया जा रहा है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, स्केल को बढ़ाया जाए और अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इस प्लेटफॉर्म से निकाली जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इससे आप मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, अवैक्स बना सकते हैं, टैंकर्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि गनशिप भी बना सकते हैं। तो क्योंकि अब इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और जहाँ तक सिचुएशन है ऐसा लगता भी है कि ये चीज़ करा जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है, बाकी 6 और एयरक्राफ्ट जो है वो कोस्ट गार्ड के लिए लिए जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़े मॉडिफाइड होंगे शोर पेट्रोल वगैरह के मिशन के लिए, बाकी उसी में अगर नेवी इंटरेस्ट दिखाती है तो और ज़्यादा मॉडिफाई करके P-8I के रोल को फिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म निकाला जा सकता है। बाकी अवैक्स की ही क्यों ना बात करें तो इसराइल द्वारा जो फैल्कन रेडार है यानी कि ELW-2090 जो कि हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है और काफ़ी पावरफुल रेडार है, उसको भी इस प्लेटफॉर्म पर लगाकर टेस्ट किया गया है और उसके साथ भी ये प्लेटफॉर्म जो है वो फ्लाई कर चुका है। तो हमारे द्वारा पहले ही काम किया जा रहा है 360 डिग्री कवरेज वाले अवैक्स पर, तो उसके लिए भी हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। बाकी अगर इन एयरक्राफ्ट के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।